ले जाओ ये टू थ्री, ये देखो क्लास खत्म होगी अभी चल रही है। अरे क्लास तो खत्म हो गई है, आज इसने बॉलिंग सीखी है कि बॉलिंग है हमारी गेम कैसे एक दिन में सब कुछ सीख लिया। क्या सीखा बताओ, बताएं क्या सीखा। ये खुश होना सीख लिया वहाँ जी वहाँ। वो देखिए बॉलिंग वाला सेटअप वहाँ बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ब्लॉग शुरू करने देना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो आज का ब्लॉग सरप्राइजिंग होने वाला, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल भी गया होगा, ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या आया है। अभी फिलहाल जो है हम लोग आए हैं जी शवेयर्स के क्लासरूम में। अभी इसकी स्टडी कम्प्लीट हुई, मतलब ये इसकी स्टडी और क्या कहते हैं ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई उसकी, टीचर अभी गई। तो हम लोगों ने सोचा चले भाई शवेयर्स की क्लास विजिट करते हैं और इससे पूछते हैं कि आज इसने नया क्या सीखा है। आज आपने क्या सीखा, ये सीखा क्या, क्या सीखा ये देखो। आज इसकी एक नई चीज देखी है कि सबसे पहले भाई इसने खुश होना सीख लिया कि खुश कैसे होते हैं, हंसते कहते हैं, कैका कैसे लगाते हैं। तो पहली सक्सेस जो है ना इसकी भाई है जी खुश होने वाली, हंसने वाली और कैका लगाने वाली। तो अगला जो माइलस्टोन शवेयर ने अचीव किया है वो क्या है जी, बॉलिंग। ये देखें जी बॉल इसने पकड़ी हुई है और ये उसकी बॉल्स की क्या कहते हैं विकेट्स खड़ी है। आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, हम विकेट्स ही कह लेते हैं। तो चलो अभी शवेयर की देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी, चलो अभी बॉल्स को कैसे गिराते हैं। 1 2 3 ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे पकड़ के ऐसे करते ऐसे, ये चलो भाई शाबाश, ये ओ गिर गए। चलो भाई गिरा दिए, दो बज गई हैं, चार जो है ना वो गिर गई, टोटल छह थी। ओ क्लैपिंग कर दो पीछे के लिए। अभी जो है लर्निंग प्रोसेस में ऐसा सीखेगा और फिर इसको सही तरीका आ जाएगा कि इनको कैसे गिराना है। तो अभी आज जो है ना, तो आज इसको पता चल गया है कि इनको गिराना है बॉल से। कल मेरे साथ एक्सरसाइज भी कर रहा था, मैं रूम में एक्सरसाइज सब कर रहा था, तो ये मुझे देख के वैसे ही जंपिंग जंपिंग कर रहा। 1 2 गो, ये एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही माशाल्लाह से। शवेयर्स का जो क्लासरूम है ना ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है, उसके अंदर चीजें जो है ना डे बाय डे ऐड होती जा रही है। पहले दिन भाई थोड़ी चीजें थी क्लासरूम में और आज माशाल्लाह से काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं। तो सारी पुरानी, कोई नई चीज अभी तक नहीं है, लेकिन ये सारे इसके टॉयज वगैरह सब कुछ जो है ना इकट्ठा करके यहाँ पे ढेर लगा दिया। कुछ भी टेबल पे आ गई और दूसरी भाई ये वही हमारी बास्केट भरी हुई है, ये तो वैसे इसकी यूज नहीं होती। ये क्या खाती है, टेबल तोड़ दिया, वो देखो जा रहा है अपना सामान उठा के, छुट्टी होगी छुट्टी होगी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये तोड़ दिया। ये क्या हो रहा है शिवेश, हेलो क्या हुआ है, नमाज पढ़ रहे थे। लो जी इबादत करके चौधरी साहब उधर ही लेट गए हैं जी। एक बात यह है कि गर्मी की कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि गर्मियां एंड होने जा रही हैं, उसके बावजूद गर्मी को दूसरे तीसरे दिन से बेअखी किस्म की पड़ी। धूप वगैरह इतनी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद इतनी हीट और हबस से फील होती है, कुछ समझ नहीं आता, बस बंदा पसीना पसीना ही हो जाता, थोड़ा सा पंखे के इधर उधर हो जाओ बस पसीने ही पसीने हो जाते। अभी शाम होने वाली है और अब कुछ मौसम बेहतर हुआ, कुछ बादल वगैरह भी आए हैं और थोड़ी ठंड भी फील हो रही है और हवा भी चल रही है, दरख्तों के पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। ये है जी वो सरप्राइजिंग बॉक्स जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। अच्छा भाई जिस सब्सक्राइबर ने ये भेजा है उसने जस्ट मेरा ऊपर नाम लिखा है और मेरा फोन नंबर लिखा है, तो टीसीएस वाला ने उस नंबर के थ्रू मेरे से रब्ता किया कि भाई आपका पार्सल है। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं, मैंने कहा कि जस्ट आपका नाम लिखा हुआ है और ऊपर आपका फोन नंबर है, तो आप रिसीव कर लें और फिर देख लें कि जो भी है आपको पता चल जाएगा। तो खैर भाई मुझे ऑफिस के एड्रेस पर डिलीवर हो गया और उसे मैं लेके गए। जिसने भेजा उसके ऊपर नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन वो हम लोग जहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते और उसके ऊपर कोई फोन नंबर वगैरह नहीं, काम उसके साथ बात करके उससे पता कर लें कि भाई ये क्या चीज है, क्यों भिजवाया और किस लिए। आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, हम लोग भी देख लेते हैं और आप लोग भी देखें, और जिसने भेजा है वो भी देख रहा होगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ पहुंच गया है। और चलिए भाई इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर खैरियत से खुल जाए, कोई ऐसी वैसी चीज ना निकला है। इसके अंदर से जो भी चीज निकलेगी उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज है और किस इलाके से बिलोंग करती है, फिर उस इलाके का थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा। हो सकता है जो अंदर चीज है उसके ऊपर कहीं लिखा भी ना हो कि हाँ जी ये फलां जगह से है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको खोलते हैं।
2, 3, ये देखो, ये देखें भाई, इसके अंदर कोई बॉक्सेस आए हैं जी। एक ये देखें, दो डिब्बे, ये अभी आपको दिखाते हैं और मुझे पता चल गया है ये क्या चीज़ है और कहां से आई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डब्बे ये हैं और 2 डब्बे ये हैं भाई। ये सारे डब्बे हैं जी, किसके हैं वो ये देख लें, ये आप लोगों को अब पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है। ये हैं जी हलवा जात हैं, मतलब ये कि 100 हलवे हैं डिफरेंट टाइप्स के। दो ये टिन पैक के अंदर हैं और बाकी ये 6 डब्बे हैं जी, ये दूसरी पैकिंग में है। चलो भाई इसको करा जाए साइड पे। तो भाई ये निकला है जी सरप्राइज इसके अंदर से, तो आप ये देख लें भाई, सोनल वार कहाँ की सौगात है और ये कहाँ कसरत से पाया जाता है, तो ये भाई वहीं से आया है। इसके ऊपर भाई टाइप्स नहीं लिखी, टाइप्स कौन सी हैं वो भाई इनको जब खोलेंगे खाएंगे तो ही पता चलेगा कि इनके अंदर कौन कौन सा हलवा है। भाई इनको खोल भी लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा हलवा है और कैसा है। ये देखें भाई, सबसे पहले तो टिन पैक ये देखें, ये इसके अंदर से ये वाला निकला, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इतनी कि भाई खा के पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है। और दूसरा बॉक्स ये है, ये दोनों मेरे ख्याल में एक जैसे हैं, ये सबसे मुझे लगता है कोई अच्छी क्वालिटी के हैं और ये दोनों सेम है। और नेक्स्ट है भाई ये बॉक्सेस वाले हैं, इसके अंदर देख लेते हैं भाई कौन कौन सा। ये देखें, ये भी वैसा इससे मिलता जुलता है भाई। नेक्स्ट बॉक्स ये भी इस तरह का है भाई, ये सारे एक जैसे तो नहीं है। ये भी भाई वैसे है, ये देखें ये भी है। अच्छा ये 1, 2, 3 ये तीनों एक जैसे हैं, ये वो दो डिफरेंट थोड़े से हैं। ये कैसा, ये भी भाई वैसे है और ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मेरे घर में इसके अंदर खिशकास है। और ये भी है, ये मुझे लग रहा है ये नारियल का। फिलहाल जो है भाई टेस्ट का पता नहीं टेस्ट कैसा है, लेकिन ये कि ये डिफरेंट टाइप के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप से ये हैं और एक टाइप के ये हैं, लेकिन कि भाई इस टाइप के ज़्यादा हैं, ये इससे मिलते जुलते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि सोनलवा कहाँ की सौगात है और कहाँ का मशहूर सोनलवा है, तो भाई ये पाकिस्तान का जहाँ का सौगात है और मशहूर सोनलवा ये वो वाला है। ये देखो ईंटे निकाल का भाई, जिस सब्सक्राइबर ने ये इतना प्यार मोहब्बत दिखाया है और हमें भाई ये सोनलवा खाने का मौका दिया है, तो उसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जी। वैसे प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट आप हमारी वीडियो देखते हैं और प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। जिसने ये सब कुछ भेजा है उससे गुजारिश है कि भाई आइंदा ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी तकलीफ होती है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो एक बार फिर से आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रिया। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।